पहले टेलीकास्ट हो चुके 12 सीजन्स के दौरान जो नहीं हुआ वो सीजन 13 में हुआ है। 12 सीजन्स के दौरान जो धब्बा बिग बॉस पर नहीं लगा वो 13वें सीजन के दौरान लग गया है। फिक्स है ये रियलिटी शो के नाम पर बिग बॉस जनता के साथ धोखा करते हैं। रियलिटी शो के नाम पर बिग बॉस जनता के इमोशंस से खेलते हैं। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ मेघा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज, जहां पर आपसे चर्चा होगी फेमस रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 13 के फिक्स विनर वाली कंट्रोवर्सी को लेकर। आसिम रियाज कह रहे हैं फिक्स जैसा कुछ नहीं है। सिद्धार्थ शुक्ला कह रहे हैं शो फिक्स नहीं है, मैंने अपनी मेहनत से ये ट्रॉफी जीती है। अब आसिम भी शो को लॉयल कह रहे हैं, सिद्धार्थ भी कह रहे हैं मेहनत का फल मिला है, लेकिन इन सबके बीच में सबसे बड़ा लॉस हुआ है सलमान खान का। सलमान खान जो बिग बॉस की आन बान और शान है, कहा जाता है कि बिग बॉस की पहचान है, वो सलमान खान फिलहाल काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म झेल रहे हैं, क्योंकि लोगों का कहना है कि सिद्धार्थ को विनर बनाने में सलमान खान का भी सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। जनता का कहना है कि ये जो आसिम हारे हैं सलमान खान ने हरवाया है, सलमान ने जानबूझकर आसिम की इमेज को खराब करने की कोशिश की। ये बड़ा फैसला जो जनता सुना रही है इस पर एक रिपोर्ट हमने तैयार की है और वो रिपोर्ट आपको जानने के लिए मिलेगी अगली पेशकश में। टेक अ लुक। बिग बॉस सीजन 13 के फिक्स हो जाने को लेकर कई तरह की बातें सुनने में आ रही हैं। बिग बॉस सीजन 13 फिक्स शो रहा, इस बार ये शो फिक्स था पूरी तरह से। इस शो में इस बार सब कुछ फिक्स था, इसीलिए सिद्धार्थ शुक्ला को विनर बनाया गया है, वरना विनर तो बनने वाले थे आसिम रियाज। ये कंट्रोवर्सी अब काफी ज्यादा जोर पकड़ रही है। सिद्धार्थ शुक्ला विनर नहीं बल्कि आसिम रियाज विनर थे, ये कंट्रोवर्सी लगातार जोर पकड़ती हुई नजर आ रही है। और आप सब ये बात जानते हैं किस तरह से केआरके कीश्वर मर्चेंट, दिलनास ईरानी, गौहर खान, ऐसे कई और भी नाम हैं जिन्होंने सिद्धार्थ के विनर बनने पर अपनी नाराजगी जताई है। अब इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से सिद्धार्थ और आसिम की फिक्स विनर वाली कंट्रोवर्सी के बीच दबंग सलमान खान पूरी तरह से फंस चुके हैं। जी हाँ, ठीक सुन रहे हैं आप, इस पूरी कंट्रोवर्सी पर फंस चुके हैं सलमान खान। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से सबसे ज्यादा नुकसान इन सब में सलमान खान का हुआ है। दरअसल ग्रैंड फिनाले से कुछ हफ्ते पहले हर वीकेंड के वार पर सलमान ने आसिम रियाज की क्लास लगाई है। हर वीकेंड के वार पर दबंग खान ने आसिम रियाज को पॉइंट आउट किया है, जो आसिम के फैंस को जरा भी अच्छा नहीं लगा, जो आसिम रियाज के फैंस को काफी ज्यादा खटका है। तो आसिम के फैंस का कहना है कि ये सब कुछ सलमान खान ने भी मिलकर किया है। वो तमाम लोग जो हैशटैग आसिम रियाज रियल विनर अब तक ट्रेंड कर रहे हैं, उनका कहना है कि ये सब कुछ सलमान खान ने किया है। सलमान जानबूझकर आसिम को इतना ज्यादा पॉइंट आउट कर रहे थे, सलमान जानबूझकर आसिम को इतना ज्यादा नीचा दिखा रहे थे, क्योंकि उनका मकसद भी आसिम को नेगेटिव करके सिद्धार्थ शुक्ला को जिताना रहा। बता दे आपको, जहां एक तरफ लोगों ने निशाने पर सलमान खान को लेना शुरू कर दिया है, वहीं आसिम रियाज से इंटरव्यू में सवाल किया गया, क्या आपको भी लगता है सलमान खान की वजह से आप हारे हैं, क्या आपको भी लगता है बिग बॉस सीजन 13 फिक्स रहा, क्या आपका दिल भी यही कहता है। इस सवाल के जवाब में कह दिया सीधे तौर पर आसिम रियाज ने, मुझे नहीं लगता कि सलमान सर की डांट की वजह से ये सब कुछ हुआ है, मुझे नहीं लगता कि सलमान सर के डांटने की वजह से मैं हारा हूँ, मुझे नहीं लगता कि ये सब कुछ बायस्ड रहा,
साफ तौर पर कह दिया आसिम रियाज ने कि बायस्ड जैसा कुछ नहीं है। बुरा मुझे लगा कि मैं जीत नहीं पाया, लेकिन कर भी क्या सकते हैं। हर किसी ने अपनी अपनी ओर से अच्छा किया, हर किसी ने अपनी अपनी ओर से शानदार तरीके से गेम को खेला, लेकिन सलमान सर ने मुझे डांटा। सलमान सर ने मुझे डांटा, मेरे भले के लिए डांटा, और उनके जैसा होस्ट कोई नहीं हो सकता। वेल, आपको बता दें, आसिम के इस स्टेटमेंट ने लोगों का दिल और भी ज्यादा जीत लिया। आसिम के इस एक स्टेटमेंट ने लोगों को और भी ज्यादा आसिम का दीवाना बना दिया। जैसे ही आसिम का ये स्टेटमेंट सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जैसे ही आसिम रियाज ने सलमान खान को डिफेंड किया, एक बार फिर से लोगों ने कमेंट्स के जरिए आसिम रियल विनर कहकर बिग बॉस के कॉन्सेप्ट पर सवाल उठा दिए। वेल, आपको बता दें, हम तो यही कहेंगे कि अभी तो ये सारा ड्रामा और चलेगा, फिक्स विनर की कंट्रोवर्सी अभी और आगे तक बढ़ेगी, लेकिन सबसे खास बात है कि लोगों का बेनतहा प्यार आसिम को मिलता जा रहा है। सबसे खास बात ये है कि लोग ढेर सारा प्यार आसिम रियाज को करते जा रहे हैं, और आपके इसी प्यार के बलबूते जहां एक तरफ घर से बाहर आसिम को हिमांशी खुराना मिली, सलमान खान के साथ फिल्म मिली, जैकलीन के साथ वीडियो एल्बम मिली, बोएमिया के साथ एक प्रोजेक्ट मिला, तो ये आप सबके प्यार का ही नतीजा है, और इस लिहाज से वाकई आसिम बिग बॉस के रियल विनर हैं।